सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली पब्लिक स्कूल बानो छापर मीडिया द्वारा संचालित किए गए यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं यहाँ तीसरे क्लास का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ और ये अध्याय दूसरा है और दूसरे अध्याय का नाम है वर्ण जगत। यहाँ वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ वर्ण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को बोलने और लिखने में किसी अन्य ध्वनि या अक्षर की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अ आ छोटी ई बड़ी छोटा ऊ से लेकर के अ तक की वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। अब हम लोग आएंगे दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को पूरा बोलने लिखने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए क ख ग से लेकर के ह तक के वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? कभी कभी दो व्यंजन आपस में जुड़कर एक नया रूप ले लेते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए क हलन प्लस श हलन प्लस अ बराबर श, ओके, त हलन प्लस र हलन प्लस अ त्र, यहाँ पे ये व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है और ये स्वर्ण वर्ण है। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों मिलकर के एक व्यंजन बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? संयुक्त व्यंजन। ज हलन प्लस य हलन प्लस अ ज्ञ, श हलन प्लस र हलन प्लस अ श्र, ओके, यहाँ भी हमारा ये व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है और ये स्वर्ण वर्ण है। व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण मिलकर के जो एक नया रूप देते हैं, नया वर्ण बनाते हैं, उस वर्ण को क्या कहते हैं? उस व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है उसे उस स्वर की मात्रा कहते हैं। ठीक है, स्वर एक ही तरह के नहीं होते हैं, इनमें भी छोटे बड़े स्वर होते हैं जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर छोटे होते हैं उन्हें बोलने में कम समय लगता है। ठीक है, जो स्वर छोटे होते हैं उन्हें बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ ई उ, ये सब ये जो है उसे हम लोग को बोलने में बहुत ही ज्यादा कम समय लगता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर बड़े होते हैं उन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आ बड़ी बड़ा उ ए ए आदि। अब हम यहाँ पे स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। यहाँ हमने लिखा है पहले स्वर, मात्रा, व्यंजन और स्वर का मिलान और यहाँ पे लास्ट में उदाहरण। स्वर भी तो आप लोग जानते हैं, अ आ छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ ही ए ए ओ, औ को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, और उसका व्यंजन वर्ण भी यहाँ पे देखिए, ज हलन प्लस अ बराबर क्या होता है? ज, और इसका उदाहरण है जल ल जल। यहाँ पे ना तो कोई हमारा कोई मात्रा है और ना ही कुछ है क्योंकि अ में कोई मात्रा नहीं होती है। आ, आ का मात्रा होती है आकार, क हलंत प्लस आ बराबर का, क में आकार का। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा आकार होती है, यहाँ भी क में आकार लगा हुआ है, ये आ की मात्रा है और इससे उदाहरण हमारा है क में आकार का म काम। ठीक है, छोटी, छोटी ई की मात्रा होती है हर्षे। ठीक है, क हलंत प्लस छोटी ई बराबर क में हर्षे की। ठीक है, और इससे इसका उदाहरण जो है छोटी ई लगा हुआ है क में छोटी की मात्रा की ल के। बड़ी, बड़ी ये दीर्घ होता है, दीर्घ ही होता है और यहाँ पे है श हलन प्लस बड़ी ई बराबर शी, इससे इसका उदाहरण है शी श शेष। छोटा, छोटा की मात्रा हर्षव होता है, प हलन प्लस छोटा ऊ बराबर प में हर्षव।
टू लव पुल बड़ा दीर्घ ध हलन प्लस बड़ा उ बराबर ध्रुव ध्रुव न धुन री री की मात्रा होती है री नृ जोड़ री बराबर नृ इसका उदाहरण है नृ प नृ यहां हम पढ़ेंगे श्रवण ए ए ए की मात्रा श हलन प्लस ए बराबर शे एग्जाम्पल शेर शेर ए ए की मात्रा क हलन प्लस ए बराबर कै कै ओ की मात्रा क हलन प्लस ओ को को म ल कोमल अ अ की मात्रा क हलन प्लस अ क क ओके अगर आपको ये लिखना हो अपने कॉपी में तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए उसके बाद अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए धन्यवाद।